जुनेद, जुनेद आप ठीक हैं? क्यों, क्या हुआ है मुझे? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। परेशान तो मैं तुम्हारी वजह से, तुमने कर दिया मुझे परेशान। अरे जब से मेरी जिंदगी में आई हो मुझे नकामी ही नकामी का सामना करना पड़ रहा है। जुनेद आप प्लीज शेर रोने धोने मत बैठ जाना। आप नैना की वजह से परेशान हैं? हाँ, आज मैं नैना के घर गया और मॉम के सामने उसने ये शर्त रखी है कि जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। जुनेद अगर आप इजाजत दें तो मैं नैना से बात करूं। तुम? जी मैं समझाऊंगी नैना को कि मैं आपकी जिंदगी में एक फालतू पड़ी विषय हूं। मैं आपकी और नैना की जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं करूंगी। इसलिए कि तुम्हें अब मेरी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आ गया ना तुम्हारे पास। बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास आपसे बढ़कर कोई कीमती शय नहीं है जो मैं नैना को सौंप दूं। आप चाहे मेरे बारे में जो भी फैसला करें लेकिन अपनी खुशी को हासिल कर लें। सर कैसी तबीयत है आपकी? मैं यहाँ। नहीं नहीं सर, आप लेटे रहे, आप मेरे घर पे हैं इस वक्त। आज तो तुम्हारा निकाह झगड़ा हो जाएगा सर, अभी टाइम है बहुत इसमें। मगर मैं यहाँ बिस्तर पे। जी सर, आपका बीपी शूट कर गया था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आप डॉक्टर भी आया था, अभी गया आपको देख के। बहुत तकलीफ थी मैंने तुम्हें, तुम अपनी खुशियां छोड़ के मेरी देखभाल में लग गए। नहीं नहीं सर, ऐसी बात ना करें, हम सब आपके लिए परेशान थे, तारा भी बहुत परेशान थी। तारा? जी, डॉक्टर को दो दफा फोन कर चुकी है, बार बार पूछ रही है। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे और तुम्हारी बेटी को भी, अल्लाह उसके नसीब अच्छा करे। आमीन। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सर, आप नहीं जा सकते ऐसे, इस हालत में आप कैसे ड्राइव करेंगे? आप मेरा निगाह हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको उसे ड्रॉप करके आऊंगा। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा जितना। ये दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। सर आप भी हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा ये इस बहाने आप मेरी खुशी में शरीक हो जाएंगे, कहें तो मैं तला दे दूं आपके घर पे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप आराम करें, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूं।